डॉक्टर शाहिद सदीक साहब जो हैं उनके कत्ल का केस जो है मामला जो है वो हल हो चुका है, लेकिन उसमें हर टाइम एक नई पेशरफ्त हो रही है क्योंकि ये केस CIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हर रोज उनकी इन्वेस्टिगेशन में नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है वो अच्छी खासी जायदाद के मालिक थे और आगे उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा कयूम जिससे उनका अक्सर कोई ना कोई झगड़ा रहता था। आज के व्लॉग में मैं बताऊंगा कि किन मामलों के ऊपर उनके झगड़े रहते थे और बेटे ने कौन सी गाड़ी मांगी थी और क्या वजह बनी कि बाप ने इनकार कर दिया। अब सबसे पहले तो आते हैं कि बेटे का जो फ्रेंड सर्कल था वो कैसा था। माँ बाप को मालूम होता है कि बच्चा हमारा जो है ना जिन दोस्तों के साथ घूम रहा है उनके कैसे मामलात हैं, क्या उनके हालात हैं, वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कयूम भी जिन दोस्तों के टच में था, जो उसका दो फ्रेंड का सर्कल था, उसके बारे में डॉक्टर साहब जानते थे। इसका जो फ्रेंड सर्कल था वो सारा जो था ना एक नशे का आदि था, ये ग्रुपिंग में बैठकर नशा करते थे और डॉक्टर साहब जो है वो इनको मना करते थे। डॉक्टर साहब की कयूम के साथ कई बार बहस होती थी कि इन दोस्तों को छोड़ दो, ये सारी बातें उनके दरमियान में एक चपकलश बनी हुई थी। और जिस लड़की से कयूम शादी करना चाहता था वो कोई लड़की ऐसी नहीं थी कि चलती फिरती, वो भी इसी फ्रेंड सर्कल की एक मेंबर थी जिसे कयूम पसंद करता था। फिर उसने अपने वालिद से उस लड़की से रिश्ते की जब ख्वाहिश जाहिर की तो उसके वालिद ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की, जब उनको पता चला कि ये लड़की भी नशे की आदी है तो और इसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कुछ इनके साथ मैच नहीं होता, तो कयूम के वालिद जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर शाहिद, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी इस खानदान में नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्ल जो है वो खराब हो जाए। अब बच्चे के दिमाग में ये भी बड़ी गुस्सा चल रहा था और सबसे गुस्से वाली बात होती है बच्चे जब हम बचपन में उनकी जिद पूरी करते हैं ना, वो मुंह से बात निकालते हैं और हम फौरी तौर पे पूरी कर देते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर अब जब उनको समझाना चाहते हैं फिर वो नहीं समझते। अब यहां पर डॉक्टर साहब ने बचपन में उसकी हर ख्वाहिश पूरी की हुई थी। अब मैं यहां पर एक चीज और आपको बताता चलूं, इनके दरमियान रंजिश की एक और वजह भी चल रही थी जिसमें ये था कि डॉक्टर साहब का जो बेटा है कयूम वो जो पॉकेट मनी लेता था उससे कई गुना ज्यादा उसने पॉकेट मनी मांगी। अब आपके बच्चे कितनी पॉकेट मनी लेते होंगे, मेरे बच्चे सुबह अगर स्कूल जाते हैं वो छोटे हैं 8-10 साल के तो वो 100-150 इतने ले जाते हैं, अगर बच्चा मैट्रिक या कॉलेज जाता हो तो वो महीने के 20,000-15,000 इतने ले लेगा, लेकिन डॉक्टर साहब अपने बेटे को जो पॉकेट मनी देते थे वो 5 लाख रुपए थी। अब इस महीने बेटे ने बाप से कहा कि मुझे 5 लाख नहीं, मुझे इस महीने 30 लाख पॉकेट मनी चाहिए। अब बाप ने मना कर दिया, उसने कहा देखो तुम 5 लाख पॉकेट मनी लेते हो जो तुम्हारे लिए बहुत है, इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए, इतने में तुम्हारा आराम से पूरे महीने का गुजारा हो सकता है, तुम जिस तरह मर्जी घूमो फिरो, लेकिन बेटे को तो 30 लाख चाहिए थे। अब ये रंजिश भी बेटे के दिमाग में चल रही थी और साथ ही बेटे ने बाप से एक ऐसी गाड़ी की डिमांड कर दी जो उसको पसंद आई और उसने बाप से कहा कि मुझे ये गाड़ी लेनी है और उस गाड़ी की कीमत 13 करोड़ रुपए थी, 13 लाख नहीं, एक करोड़ 13 लाख नहीं 13 करोड़ रुपए। अब 13 करोड़ की गाड़ी उसने जब बाप से डिमांड की तो बाप ने सीधा सीधा मना कर दिया। अब बेटे के पास ये चपकलश भी थी कि ये भी गुस्सा था कि मैंने पॉकेट मनी ज्यादा मांगी वो भी नहीं मिली, मेरी शादी भी उससे नहीं कर रहे और मैंने जो गाड़ी मांगी है वो भी नहीं मुझे दे रहे। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि बच्चों को शुरू से ही सेक्रीफाइस करना सिखाएं, बच्चों को चीजों के ऊपर समझौता करना सिखाएं, ये नहीं कि बच्चे आपके जो मुंह से निकाले उनको लाके दे दें, उसके बाद अंजाम कुछ इसी तरह का होता है। और दूसरी तरफ सितंबर के अंदर कयूम की सालगिरह आ रही थी, अब डॉक्टर साहब ने चुपके से 13 करोड़ रुपए वो गाड़ी के पे कर दिए, गाड़ी बुक कर ली कि सितंबर के महीने में जिस दिन उसकी सालगिरह है बर्थडे है उस दिन ये गाड़ी मैं उसको तोहफा दूंगा ताकि बेटा भी खुश हो जाएगा और गाड़ी भी मिल गई, तोहफा भी सालगिरह का तोहफा भी बन जाएगा। लेकिन बेटे को इस चीज का खबर नहीं थी, बेटे ने इसी गुस्से में अपने बाप का कत्ल करवा दिया। अब यहां पर CIA जो है वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है,
और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारे लोगों को शामिल किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते में इस केस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है वो की जाएगी और लोगों को आगाह किया जाएगा कि ये सारा मामला कैसे हुआ। और इसी दौरान उसके कईयों के जो दोस्त हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, और साथ ही वो लड़की जिसके साथ कयूम शादी करना चाहता था, जिसके घर वाले राजी थे, और कहीं ना कहीं उसका भी इसके कत्ल के साथ कोई ना कोई तल्लक है। फिर कयूम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये सारा मामला करवाया, तो जो जो लोग इसमें शामिल हैं वो सब के सब सामने आ जाएंगे। आप के साथ हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में इनकी जो मजीद मालूमात है वो भी शेयर करेंगे। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, गाँव में याद रखिएगा। और मैं फिर से यही कहूंगा कि बच्चों के साथ इस तरह के मामला रखें कि बच्चे आपकी बातों को समझें, ना कि आपको बच्चों की बातों को मानना पड़े। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।